बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस यहाँ से देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरा चैनल शाहीन स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चूरी। चूरी को मलिदा भी कहते हैं। चूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं रोटी बनाऊंगी, तो इस आटे में से मैं पेड़ा बनाऊंगी पहले। अब मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसे बेलन पे रख के बेलने लगी हूँ। अब मैंने इसे थोड़ा सा बेला है। अब मैं इसे घी लगाऊंगी इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, वो भी दरमियान पर लगाया है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना। अब इसे फोल्ड करूँगी। आप देखें कि मैंने पूरी रोटी को इस तरह फोल्ड किया है एक तरफ। आप दोनों तरफ से मैं जोड़ लूंगी, जिसमें आप देख रही हैं वीडियो में। अब आप देखें मैं इस तरह फोल्ड कर रही हूँ रोटी को। अब मैंने इसे अच्छी तरह फोल्ड करके फिर दोबारा कुछ काटा लगाया है। अब मैं इसे दोबारा बेलूंगी। अब मैंने तीनों पेड़ों को इसी तरह थोड़ा सा बेल के घी लगा के और अच्छी तरह फोल्ड करके रख दिए हैं। आप देख सकते हैं तीनों तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें दोबारा बेलूंगी। अब मैंने इसे बेल लिया है और बाकी दोनों को भी इसी तरह ही बेलना है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रखा है, तवा गर्म हो चुका है। अब मैं घी लगाऊंगी थोड़ा सा। अब मैंने घी डाला है, अभी गर्म हो रहा है। अब मैंने घी को पूरे तवे पे फैला दिया है ताकि कहीं से भी रोटी नीचे साफ ना लगे। अब मैंने तवे पे रोटी डाल दी है और आहिस्ता आहिस्ता आंच पे इसे पकाऊंगी। अब मैंने रोटी को दूसरी तरफ से पलट लिया है और आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाएंगे। थोड़ी पक जाएगी फिर पकाएंगे। अब एक साइड से पका रहे हैं। अब चूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े बाउल में तीनों रोटियों के टुकड़े बना लिए हैं। अब मैं इन रोटियों के ऊपर मक्खन डालूंगी। मक्खन को मैंने मेल्ट किया है। ये मक्खन मेल्ट हुआ हुआ है, ये खालिस मक्खन है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी और इसी चैनल पे अपलोड की थी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर रख दूंगी इस वीडियो का, मक्खन की वीडियो का, तो आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने मेल्ट शुदा मक्खन रोटी के ऊपर डाल दिया है। अब मैं शक्कर शामिल करूंगी। अब मैं शक्कर शामिल करने लगी हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब ये काली मिर्च में शामिल करूंगी, 2 पिंच काली मिर्च है। अब मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूंगी।
काली मिर्च से ये होता है कि चूरी का अच्छा जायका आता है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। माशाल्लाह से हमारी चूरी तैयार हो गई है। रेसिपी जरूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त।